दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति के पूरी बाजू में दर्द हो जाए, या दोस्तों पूरी बाजू में दर्द होना चालू हो जाए, तो व्यक्ति बड़ा परेशान हो जाता है, क्योंकि हाथ उठा भी नहीं पाएगा, मोड़ भी नहीं पाएगा, कोई काम करना तो वो काम नहीं कर सकता, इतनी परेशानी हो जाती है। बिना पेन किलर लिए व्यक्ति हिल भी नहीं सकता, इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि हाथ से सारे काम होने दोस्तों, और यदि हाथों में दर्द होने लग जाए तो क्या करे व्यक्ति। मान लीजिए इस वाले हाथ में दर्द है, इसके साथ साथ आपके इस वाले में भी चालू हो जाए, तो दोनों हाथ खराब, व्यक्ति बड़ा परेशान, क्या करूं भाई, पेन किलर कितना खाऊं, खा खा के अपनी किडनी और ख़राब कर रहा है। तो आज जो मैं पॉइंट लेके आऊँ ना, उसको मात्र आप दबा लेना। जी हाँ दोस्तों, दबाने से ही तुरंत आप देखेंगे रिलीफ मिलने लग जाएगा, आपको जो पेन हो रहा था उसमें राहत आने लग जाएगी। क्या होता है दोस्तों, जब हमारे बाजू में दर्द होता है तो हम दूसरे व्यक्ति से मसाज कराते हैं कि यार थोड़ा सा ऐसे करके मसाज कर दे। अब बार बार उसको कहना तो बड़ा अटपटा सा लगता है दोस्तों, आजकल हकीकत है, अगर हमारा शरीर सही है ना तो सब सही है, अगर शरीर खराब होने लग गया ना तो दूसरे की आप आस नहीं कर सकते, पता नहीं वो काम करेगा नहीं करेगा, उसके पास टाइम है कि नहीं है, तो कोई जरूरत नहीं किसी की। आपको ऐसा पॉइंट बताऊंगा, आपने थोड़ा सा दर्द सहन करके उस पॉइंट को एक्टिवेट करना, बस आपने अगर उसको 2 से 3 मिनट 3 सेट कर लिए ना, सुबह दोपहर शाम, फिर देखना बाजू का दर्द गायब हो जाएगा। अगर आपके इस वाले हाथ में दर्द है लेफ्ट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड हैंड पे ट्रीटमेंट करेंगे, और अगर राइट हैंड साइड में दर्द है तो राइट हैंड साइड वाली फिंगर में ट्रीटमेंट करेंगे, और यदि दोनों हाथों में दर्द है तो दोनों हाथों में हमें ट्रीटमेंट करना होगा। पहले बात करें दोस्तों, कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसको हमें एक्टिवेट करना है, फिर उसके ऊपर मैग्नेट लगानी। दोस्तों देखिए, इंडेक्स फिंगर में फर्स्ट जॉइंट, जॉइंट से थोड़ा सा ऊपर आएंगे, इस पॉइंट का नाम है दोस्तों L7, दोनों फिंगर में इतना जबरदस्त पॉइंट है बाजू के लिए, बाजू में दर्द हो रहा हो, चाहे आधे बाजू में हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे में चल रहा हो, ऐसा भी दर्द हो, पॉइंट दबाते ही आपको महसूस होगा यार दर्द में आराम आने लग गया। ये क्या करेगा दोस्तों, ये पॉइंट है ना, आपके ब्लड को फ्लो है ना जो रुक गया उसको बढ़ा देगा। ये हो क्यों जाता है दोस्तों, हम गलत तरीके से सो जाते हैं या कोई भारी वजन उठा लेते हैं, इससे क्या होता है हमारी मसल जो है ना वो खिंच जाती है, जिसकी वजह से पेन आना चालू हो जाता है। खैर बात करेंगे इसको हम कैसे एक्टिवेट करें। दोस्तों आपको क्या करना है, इस तरीके से फिंगर रखनी है और अंगूठे की मदद से इस तरीके से इसके 2 से 3 मिनट प्रेशर देना है। आप पेन की मदद से भी कर सकते हैं इस तरीके से, मतलब कोई भी कुंद चीज़ हो उससे हमें L7 को एक्टिवेट करना है। अगर आपके लेफ्ट हैंड साइड में दर्द है तो लेफ्ट हैंड साइड पे, और अगर राइट हैंड साइड पे है तो राइट हैंड साइड पे 3 सेट करने, सुबह दोपहर शाम 2-2, 3-3 मिनट के, और यदि दोनों में है तो दोनों हाथ में ट्रीटमेंट कर सकते, सिंपल। तो अब बात करेंगे मैग्नेट थेरेपी की। जी हाँ दोस्तों, मैग्नेट थेरेपी में ऐसी कौन सी मैग्नेट है जिसको लगाकर ये जो बाजू में दर्द है दूर कर देंगे। दोस्तों इसके लिए हमें चाहिए ड्यूल मैग्नेट, एक तरफ से येलो और एक तरफ से दोस्तों ये होती है वाइट, और लेंगे दोस्तों पेपर टेप। अब बात करेंगे मैग्नेट कौन सा हिस्सा स्किन को टच करेगा, कौन सा हिस्सा हमें बाहर से देखेगा। दोस्तों स्किन के ऊपर जो टच करेगा इसका वाइट वाला कलर, बाहर से हमें ये येलो दिखेगा। तो ये जो L7 है इसके ऊपर हम इस तरीके से लगा देंगे। मान लीजिए मेरे लेफ्ट हैंड साइड में दर्द है तो मैंने इस पे लगा लिया, और यदि किसी व्यक्ति के राइट हैंड वाले में दर्द हो बाजू में, तो वो ट्रीटमेंट राइट हैंड साइड में करेंगे, और यदि उनको दोनों साइड दर्द है तो दोनों फिंगर में ये ट्रीटमेंट कर लीजिए। सिंपल ट्रीटमेंट है दोस्तों, बहुत सिंपल। खैर मैग्नेट मंगाने के लिए संपर्क करें 7840042753। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलूंगा आपसे किसी एक नई वीडियो पे, किसी के नए टॉपिक पे। नमस्कार।